बंदर बना जंगल का राजा कहानी। दोस्तों, एक जंगल में एक बंदर और बंदरिया रहते थे। दिन भर पेड़ों पर उछल कूदल करते थे। एक दिन बंदर और बंदरिया एक पेड़ की टहनी पर बैठे थे। तभी जंगल के रास्ते से उस देख के राजा की सवारी निकली। उसे देखकर बंदरिया ने बंदर से कहा, बंदरिया बोल रही है, काश मेरी शादी किसी राजा से हो जाती तो मैं भी ऐसे मज़े में रहती। बंदर को यह बात बहुत बुरी लगी। बंदर बोल रहा है, कभी बंदरिया की शादी इंसानों से होती देखी है क्या? भला एक इंसान कभी बंदरिया से शादी करेगा क्या? बंदरिया बोल रही है, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। इस देश के न सही, कम से कम इस जंगल के तो राजा बन सकते थे। बंदर बोल रहा है, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर शेर को पता लग गया तो हमें खा जाएगा। जंगल का राजा शेर ही होता है। बंदरिया बोल रही है, मेरे पास एक तरकीब है जिससे तुम जंगल के राजा बन सकते हो और मैं रानी। बंदर बोल रहा है, क्या है वो तरकीब? बंदरिया बोल रही है, सुनो, तुम राजमहल में जाकर राजा के मुकुट चुरा लेकर आओ, यानी चुरा कर ले आओ। फिर उस मुकुट को पहनकर राजा बन जाना और कोई पूछे तो कह देना, राजा ने अपना मुकुट मुझे देकर जंगल का राजा बनाया है। अगर किसी ने मेरी बात न मानी तो राजा के सैनिकों से उसे पकड़कर मार डालेंगे। बंदर बोल रहा है, लेकिन राजमहल से मुकुट कैसे लाऊंगा? वहाँ तो बहुत पहरा होगा। बंदरिया बोल रही है, तुम रात को चुपचाप जाना, जब राजा सो जाए तो मुकुट ले आना। बस अगले दिन से तुम राजा और मैं रानी बन जाऊंगी। बंदर बोल रहा है, अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे सैनिक मार देंगे। तेरे चक्कर में मैं अपनी जान गवा दूंगा। मैं नहीं ला सकता मुकुट। बंदरिया बोल रही है, क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? सोचो, हमें खाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। सभी जानवर यहीं खाना ला कर दे देंगे। राजा के डर से शेर भी तुमसे डरेगा। बंदर बंदरिया की बात मानकर रात को राजमहल में पहुंच जाता है और वहां से मुकुट चुराकर वापस जंगल में आ जाता है। अगले दिन बंदरिया बंदर को मुकुट पहना देती है। मुकुट को अच्छे से दबा कर बंदर के सिर पर पहना देती है। बंदर को मुकुट चुभ रहा था, लेकिन वह किसी तरह से मुकुट को सिर पर बांध लेता है। इधर राजा के महल में अफरा तफरी मच जाती है। राजा अपने सैनिकों को मुकुट ढूंढने के आदेश देता है। मुकुट न मिलने पर मुकुट ढूंढने वालों को सोने के सिक्के देने का वादा कर देता है राजा, जिससे बहुत से लोग मुकुट ढूंढने में लग जाते हैं। जंगल में बंदर एक ऊंची सी जगह पर बैठकर कहता है, बंदर बोल रहा है, सुनो जंगल में रहने वाले सभी जानवर, हमारे महाराज ने मुझे एक जंगल का राजा बना दिया है। अब से शेर का जंगल का राजा नहीं है। अब किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो राजा के सैनिक उसे मार देंगे। सभी जानवर उस चट्टान के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। वहाँ शेर भी पहुँच जाता है। पहले तो बंदर शेर को देखकर डर जाता है, लेकिन बंदरिया की आँख दिखाने के बाद वह बहुत अकड़ के साथ शेर से कहता है, बंदर बोल रहा है, सुन बे शेर, आज से मैं राजा और तू मेरी प्रजा है। आज से तू हमारे लिए फल और खाने का सामान लाएगा। बाद में यहाँ आकर मेरे पैर भी दबाएगा, नहीं तो
मैं महाराज से कहकर तुम्हें पिंजरे में बंद करवा दूंगा। बंदर बोल रहा है, शेर बोल रहा है, ठीक है महाराज, लेकिन क्या राजा तुम्हें यह मुकुट अपने हाथों से पहनाया है? बंदर बोल रहा है हाँ, कल राजा ने मुझे बुलाया और कहा, शेर बहुत दिनों से जंगल का राजा है, अब से तुम जंगल का काम काज संभालोगे। तुम पेड़ के ऊपर बैठकर पूरे जंगल पर नज़र रखना। फिर उन्होंने अपने हाथ से यह मुकुट मुझे पहना दिया। इसके बाद पूरा जंगल बंदर को शेर मान कर उसकी सेवा करने में लग गया। बंदर के साथ बंदरिया भी मज़े में आ जाती है। अब बैठे बैठे खाना आ जाता था। कई जानवर उनकी सेवा में लगे रहते थे। समय बहुत अच्छे से बीत रहा था। एक दिन एक बैलगाड़ी पर बैठकर एक आदमी जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। उस समय बंदर का दरबार लगा हुआ था। उसने दूर से देखा कि बंदर के मुकुट पर एक पत्थर बैठा है और सब हुक्म चला रहे हैं। गाड़ी वाला जल्दी से राजा के पास गया और उसने सारी बात राजा को बता दी। राजा ने उसी समय सैनिकों की एक टुकड़ी जंगल में भेजी। बंदर और बंदरियों दोनों को पकड़कर राजमहल में लाया गया। बंदर बोल रहा है, मरवा दिया तूने, अब राजा जिंदा नहीं छोड़ेगा। बंदरिया बोले, मुझे भी डर लग रहा है। राजा जब बंदर को मुकुट लगाए देखता है तो वह जोर से हंसने लगता है। राजा बोला है, सैनिकों इस बंदर से मुकुट छीन लो और इसे जेल में डाल दो। बंदर बोल रहा है, महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, इस बंदरिया के कहने पर मैंने यह किया था, रानी बनना था इस बंदरिया को। राजा बोला, ठीक है, इसे भी तुम्हारे साथ जेल में डाल देते हैं। दोनों एक महीने के बाद जेल में ही डाल दिया जाता है, एक महीने तक। इधर जब जंगल के राजा शेर को यह बात पता लगती है तो वह बहुत क्रोध में आ जाता है। शेर बोला है, आने दो इस बंदर बंदरिया को, छूटकर इन दोनों को एक ही दिन में चट कर जाऊंगा। एक महीने बाद दोनों को राजा के सामने पेश किया जाता है। बंदर बोला, महाराज हमें जेल में ही रहने दीजिए, अब तक पूरे जंगल को चोरी वाला बात पता लग गई होगी और शेर हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। राजा बोल रहा है, सजा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए, तुमने दो राजाओं को धोखा दिया है। ठीक है, मैंने अपने सैनिकों को तुम्हारे साथ भेजता हूँ, जो मेरा संदेश शेर को पढ़कर सुनाएंगे, तुम्हें मारा ना जाए, अब राजा जिंदा नहीं छोड़ेगा। बंदरिया बोले, मुझे भी डर लग रहा है। राजा जब बंदर को मुकुट लगाए देखता है तो वह हंसने लगता है। राजा बोल रहा है, सैनिकों इस बंदर की मुकुट छीन लो और इसे जेल में डाल दो। बंदर बोल रहा, महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, इस बंदरिया के कहने पर मैंने यह काम किया था, इसे रानी बनने का बहुत शौक था। राजा बोला, ठीक है, इसे भी तुम्हारे साथ जेल में डाल देते हैं। दोनों को एक महीने के बाद जेल में डाल दिया जाता है। इधर जंगल का राजा शेर को जब यह बात पता लगती है तो वह बहुत क्रोध में आता है। शेर, आने दो इस बंदर बंदरिया को, छूटकर इन दोनों को एक ही बार में चट कर जाऊंगा। एक महीने बाद जब दोनों वापस आते हैं, राजा के सामने पेश किया जाता है। महाराज, बंदर बोल रहा है, हमें जेल में ही रहने दीजिए, अब तक पूरे जंगल को चोरी वाला बात पता लग गई और शेर हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। राजा बोल रहा है, सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए, तुम दो राजाओं को धोखा दिया है। ठीक है, मैं अपने सैनिकों को तुम्हारे साथ भेजता हूँ, जो मेरा संदेश शेर को पढ़कर सुनाएंगे कि तुम्हें न मारा जाए। बंदर बंदरिया सैनिकों के साथ जंगल में पहुँचते हैं। सैनिकों शेर को राजा का संदेश देते हैं। उसमें लिखा था कि इस बंदर बंदरियों को मारा न जाए, बाकी जो सजा देंगे वो इन्हें दे सकते हैं।
शेर बोला, ठीक है, आज से पूरे जंगल में सबके लिए खाने का प्रबंध यही दोनों करेंगे। अगर जंगल में कोई भी जानवर भूखा रहा तो मैं तुम्हारी खैर नहीं। इस बंदर बंदरिया को जंगल में जहाँ भी जाते थे सब उनका एक दिन का महाराज कहकर मजाक उड़ाते थे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आ गई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्त। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।